दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है तो दोनों भाई ठंडा लग रहा है भाई साहब धूप सेकते हुए। देखिए क्या क्या होगा, गर्मी मतलब बहुत ज्यादा बार बड़ा हो गया था तो मेरे को थोड़ा वो हो रहा था ठीक है। और जब से मैं कटवाया हूँ ना तब से मेरे को और ठंडा लगने लग गया। और एक चीज और बता दूं, बहुत दुख के साथ बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि दो दिन से नहीं नहाया हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। हम आज से डेली व्लॉग दोबारा शुरू कर रहे हैं। काफी दिनों से डेली व्लॉग्स नहीं बना पा रहे थे क्योंकि काफी सारे शोज थे, उसके बाद बहुत ज्यादा बिजी हो गए। बल्कि आज भी शोज है। हाँ आज भी, बल्कि अभी बताते हैं, रुक जाओ सबर। तो अभी 12 बज रहे हैं, अभी तक कुछ हमने नहाया धोया नहीं है, बस धूप सेक रहे बैठ के। yes. और गैस करिए कि मम्मी क्या कर रही होगी, गैस करिए। मम्मी हेलो। देखो लोग आपको कितने दिनों से नहीं देखे डेली व्लॉग के जरिए, तो मम्मी अभी हमारे लिए ब्रेड चाय बना रही है और मेरे एक फेवरेट खाना बनाया है आज। इधर हाथ जले, तड़का नहीं लगाई हूं अभी। मम्मी तड़का नहीं लगाई इसलिए देख नहीं सकते आप लोग, ठीक है? फूल हो जाता है ना तड़का लगाने के बाद। तो गाइस फाइनली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना डेली व्लॉग दोबारा से, और आज ही से आपको हमारी पंक्तियां मस्ती आप जो समझे और थोड़ी थोड़ी बहुत शायरी भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है? मजा आ जाएगा आपको। मतलब दोबारा हम पहले की तरह व्लॉग बनाना शुरू कर देंगे। yes. जो आप मिस करते हैं ना कि पुराने व्लॉग्स कैसे होते थे, तो वैसे ही व्लॉग्स। थोड़ा हम लोग क्या बिजी हो गए थे, बस थोड़ा सा क्या बिजी हो गए थे, सिर्फ थोड़ा। क्या हो गया था? थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना कि आप थोड़ा सा क्या, मतलब 8 बजे व्लॉग नहीं आ पा रहा था। नहीं इस चीज में मैं तेरे साथ नहीं हूं भाई। तो गाइस आपको पता है कि हमारा जमशेदपुर में फर्स्ट टाइम शो होने वाला है, तो आज हम जमशेदपुर जा रहे हैं। तो हमारा फ्लाइट है शाम के 5 बजे का। yes. तो अभी 12 बज चुके हैं, जल्दी से एकदम नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा जो तबला है थोड़ा धूप सेक रहा है, ठीक है? क्योंकि इसका भी कभी कभी ना बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है इसको भी, और गर्मी भी गर्मी लगती है, तो हम इसको गर्मी में कैसे सैर करा सकते? बिल्कुल, तो ठंडा में गर्मी का सैर करा देते। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सेंस है इस बात की? तो बस जल्दी से तैयार होते हैं, खाते पीते हैं और निकलते हैं जमशेदपुर के लिए। काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम मैसेज कर रहे हैं और स्टोरी में डाल रहे हैं हमारा जो पोस्टर है वहाँ का। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं। क्या हुआ मम्मी? इधर कढ़ी बन गया, आलू गोभी का भुजिया, घिया का भुजिया, अचार नहीं बना। जो नहीं भी बनाया ना तब बोलिए, पूरा ब्लॉगों के 5 प्रकार का बनाती हूँ मैं। ये देखिए इसमें दिखा, तू सोया था तेरे को। ये तो अनार का के रखा हुआ है, वो भी 5 रंग का बोलती है जो अच्छा लगे। इतना दिन से व्लॉग पेंडिंग था तो तुमको कम से कम 2 जोक सुनाना पड़ेगा आज, तुम सोच के रखना एकदम, ठीक है? एयरपोर्ट पे सुनूंगा तेरे से। तो हमारा चाय बिल्कुल तैयार है और ब्रेड भी तैयार है, चाय ब्रेड खाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्वादिष्ट सा कड़ी एकदम तैयार है और मम्मी अभी चावल बना रही है। नाइस। तो गाइस हम सब लोग तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, और अभी बज रहे हैं 2:03 और गाड़ी भी बुक कर दी है, बस 5 मिनट में गाड़ी आ जाएगी अपनी। yes. सब कुछ रेडी, अपना सब कुछ पैक्ड है एकदम। जल्दी से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और पहुंचते हैं जमशेदपुर। और आज मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ पहले की तरह। आज मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट कपड़ा पहना हम दोनों ने एकदम सेम पहना है, सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, ऊपर से जैकेट, ब्लैक जैकेट। और गाइस आप सबको बता दे कि ये जैकेट जो इतना बढ़िया जैकेट है, ये जर्मनी का है और इतना सॉफ्ट है ना, मन कहता है इसको छूते रहे। सच्ची में ऐसा लग रहा है कि लेट जाए इसके ऊपर, इतना ज्यादा सॉफ्ट है ये। सनी मम्मी को इतना परेशान कर रहा है आज कि मम्मी ये कपड़ा दो, ये दो निकाल के यहाँ से वो दो। मम्मी को ना दो दो मिनट में चीज भूल जाती कि मैंने यहाँ रखा है तो कहाँ रख दिया। अरे यार तू तो परेशान करके रख देता है। मतलब इसको ये शॉल चाहिए तो उसके लिए मम्मी से पूछा, मम्मी कहाँ रख दिया शॉल, कहाँ रख दिया कपड़ा, जगह पे रखा है। और अरे क्या परेशान करता रहता है मेरा तो जिंदगी एकदम, तू क्या क्या बोलती रहती है मेरे को। पढ़ाई में ध्यान लगा के थोड़ा सा, चलो पढ़ा दो, बैठ जा मैं पढ़ाऊं, देख ले इसको। नाच रहा से आइए, ले लिया भाई। तो गाड़ी आ चुकी है और कोई भी रेडी नहीं है अभी तक, बताओ जल्दी दीदी, जल्दी 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 सनी जल्दी। मतलब ये क्या करती है, गाड़ी आ गया ना तो भागो भागो भागो, और तब से एकदम क्या कर रही थी, तो गुस्सा दिला दी थी लास्ट टाइम। अरे तो तीन बैग है, मैं खेल कैसे ले जाऊंगा, सब भाग गया मेरे को भाई, सब छोड़ के भाग जाते, सब मैं उठाऊंगा।
हो चुकी है, हमारा फ्लाइट आधा घंटा लेट था, और बस बोर्ड कर जल्दी से। बिस्किट मेरे को पकड़ा दे, खाना ही नहीं मेरे को। अरे खाने में कुछ नहीं होता, पिट्ठा लगा हुआ है। रांची में तो बहुत बढ़िया वेलकम हुआ, मतलब एकदम सब लोग आ गए यहाँ पे तो। और पूरा बस में हमारा बात हो रहा था, पूरा बस में, मतलब मैं ठाकुर, आयाजी ठाकुर, ऋषभ ठाकुर, वाह वाह वाह। अरे जमशेदपुर में अपने होटल रूम में, और बहुत ही सुंदर सा रूम है हमारा, और बस ये दो रूम है हमारे, दोनों इंटरकनेक्टेड है, मतलब जब चाहे गेट खोल के इस रूम से उस रूम तूफान मचा दूंगा। दीदी yes, brother. अब लोगों को मेरा पूरा ड्रेस दिखाओ और बताओ कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ, प्लीज। okay, come on here. Guys, आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट कपड़ा पहना हूँ एकदम, आज से पहले मैंने इस प्रकार से कभी नहीं पहना था, तो आज अलग ही, आज सुसज्जित लग रहा है। आओ देखते हैं, 1 2 3 go. कैसा लग रहा हूँ दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा, और अच्छा कमेंट्स करिएगा।